आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। सफीदों खरखोदा कॉलेज में प्राध्यापक पर गोलियां चलाने के मामले में कॉलेज प्राध्यापकों में खासा रोष है। इस घटना से नाराज सफीदों के राजकीय कॉलेज के प्राध्यापकों ने आज धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन के बाद उन्होंने सफीदों के SDM को ज्ञापन सौंप इस पूरी घटना की कड़ी निंदा की और कार्रवाई किए जाने की मांग की। धरने पर बैठे प्राध्यापकों का कहना है कि इस तरह की असामाजिक घटनाएं समाज के लिए ठीक नहीं है, ऐसे माहौल में छात्रों को पढ़ा पाना मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान सरकार से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। राजकीय महाविद्यालय सफीदों की स्थानीय यूनिट हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ के आह्वान पर पूरी स्टेट में आज कल जो राजकीय महाविद्यालय खरखोदा में एक छात्र द्वारा एक असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राजेश मलिक की जो नशस्त्र हत्या की गई, हम पूरा महाविद्यालय परिवार और स्थानीय इकाई, रादर मैं ये कहूँगा कि पूरा स्टेट की टीचर फ्रेटर्निटी श्री राजेश मलिक जी के साथ है और हम हरियाणा सरकार से और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से सख्त शब्दों में डिमांड करते हैं कि इस तरह की पुनरावृत्ति को शिक्षण संस्थानों में रोका जाए, अदरवाइज एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो जाएगा। एक जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो विश्वास है, ऐसी घटनाओं से वो विश्वास बुरी तरह से टूटता है और जब ये विश्वास टूटता है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम सरकार से पूरा राज्य की इकाई की ओर से, पूरे स्टेट की ओर से और मैं अपने महाविद्यालय की स्थानीय इकाई की ओर से, हरियाणा सरकार से और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से हम डिमांड करते हैं कि किन्हीं भी बुद्धिजीवियों को लेके, सीनियर प्रिंसिपल्स को लेके वो बैठें और इस समस्या का किस लेवल पे समाधान हो सकता है वो बैठें, स्टेक होल्डर से बात करें, टीचर से बात करें। कहीं ना कहीं इस तरह के मैकेनिज्म डिवाइस हमें करने पड़ेंगे अगर हरियाणा सरकार चाहती है कि हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण बने, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी हरियाणा सरकार को, हमारे उच्च अधिकारियों को कहीं ना कहीं इसी लेवल पे बैठना पड़ेगा। बैठ के कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सभी साथियों के ओपिनियन लिए जा सकते हैं इसमें कि हम एकेडमिक एनवायरनमेंट को इंक्रीज करने के लिए किस तरह की और बेटर स्टेप्स हम ले सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाती है। सत्य खबर के लिए सफीदों से सत्यदेव शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।